वो भागे, देखिए वो भागा है, एक वो लड़का भागा है बिल्कुल अभी जस्ट हमें देखकर, वो देखिए पीछे वो भागा है, आप देख सकते। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके के अंदर। बुराड़ी वो इलाका है जहाँ पर भू माफियाओं का कब्जा इस तरह से फैला हुआ है कि जहाँ तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको भू माफियाओं का कब्जा चारों तरफ साफ साफ नजर आ जाएगा। जैसे कि मैं खड़ी हूँ एक बिल्डिंग के बिल्कुल सामने, आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग को इस तरीके से बनाया गया है कि आप सोच कर हैरान हो जाएंगे कि ये जो खंबे लगे हैं ये सरकारी खंबे हैं जो सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, ये खंबे बिल्डिंग के अंदर से बाहर आ रहे हैं या बिल्डिंग के अंदर इन खंबों को चिपका दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरी तार, जो कितने हाई वोल्टेज की तारे होती है, बिजली की तारे हैं, जिन्हें पूरी बिल्डिंग पे चिपका दिया गया है, खंबे को पूरी बिल्डिंग पे चिपका दिया गया है, तीन खंबे हैं एक साथ, तीनों को बिल्डिंग के साथ बिल्कुल चिपका रखा है। और खंबे के साथ आप देख सकते हैं ये छज्जा, आप कितना बाहर आपको नजर आ रहा है, यहाँ से वहां तक पूरा छज्जा जो है वो बाहर निकाला हुआ है और इस छज्जे के ऊपर लगातार ऊपर छज्जे जो है वो बना दिए गए हैं। ये है राजधानी दिल्ली के अंदर भू माफियाओं का जमीनों पर कब्जा। अब ये कब्जा होता कैसे है, ये बिल्डिंगें बन कैसे जाती है, ये सोचने वाली बात है। जब ये बिल्डिंगें बननी शुरू होती है तो क्या किसी को नजर नहीं आती? जब ये भू माफियाओं का कब्जा लगातार चारों तरफ फैलता नजर आता है तो क्या आसपास मौजूद नगर निगम प्रशासन, MCD विभाग, JEE किसी को कुछ नजर नहीं आता? या फिर JEE को नजर तो आता है, वो आते हैं, सेटिंग करते हैं और परमिशन दे जाते हैं कि आप कितना भी फुट का छज्जा बाहर निकाल लीजिए, उसको बना लीजिए, लेकिन हमारी सेवा कर दीजिए, हमारी जेबें गर्म कर दीजिए, हमारी तिजोरियां भर दीजिए। ये है MCD विभाग के JEE का भू माफियाओं के साथ मिलकर बिछाया गया जाल जो पूरी दिल्ली के अंदर फैला हुआ है। ये एक बिल्डिंग दिखाई, यहाँ पर कम से कम 10 बिल्डिंग ऐसी है जो कि अवैध रूप से इनका काम जो है वो चल रहा है। अब मैं वन बाय वन आपको सारी बिल्डिंगें दिखाती हूँ। ये एक गेट है, अभी हमें किस बिल्कुल मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सामने इसी ये जो बिल्डिंग है इसकी मैं अभी वीडियो बना ही रही थी कि जैसे ही हमें इस बिल्डिंग के जो चौकीदार है उसने देखा कि हम लोग यहाँ कवरेज कर रहे हैं अवैध बिल्डिंगों की, तो इन लोगों ने यहाँ लॉक लगा दिया है। हमें देखकर इस गेट के ऊपर ताला लगा दिया गया है। आखिर ये ताला क्यों लगाया गया? आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, लॉक लगा दिया गया है ताकि हम लोग अंदर इसमें एंट्री ना कर सके। तो ये बेहद शर्मनाक बात है कि इस तरीके से अगर गेट पर लॉक लगा दिया गया है हमें देखकर, मीडिया को देखकर, तो इसके अंदर क्या छुपाया जा रहा है, इसके अंदर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं किसी तरह अंदर जाकर घुसने की, ये देखिए लॉक लगा दिया गया है पर मैं अंदर घुस यहाँ से जाती हूँ। आइए, आखिर यहाँ क्या छुपाया जा रहा है, ये देखने वाली बात है कि आखिर मीडिया को देखकर क्यों तुरंत ही यहाँ पर गेट पर जो है वो ताला लगा दिया गया, आखिर क्यों ये ताला लगाया गया, किस वजह से ताला लगाया गया, ये हमें नहीं पता। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ भी बिल्डिंग बन रही है और जिस गार्ड ने यहाँ ताला लगाया वो गार्ड भी यहाँ से गायब है। इसका मतलब यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है और मीडिया वाले अंदर एंट्री ना करें, इसीलिए गेट को लॉक कर दिया गया ताकि हम अंदर ना घुस सकें। एक ही आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग यहाँ बनाई जा रही है, मतलब इतना अवैध कब्जा देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। और ये अकेले वो भागे, देखिए वो भागा है, एक वो लड़का भागा है बिल्कुल अभी जस्ट हमें देखकर, वो देखिए पीछे वो भागा है, आप देख सकते हैं बिल्डिंग को गेट को ताला लगा दिया गया और यहाँ जो काम कर रहे थे लड़के वो भाग गए हैं हमें देखकर। आखिर क्यों भागे पता नहीं, लेकिन भागे।
इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो गैर कानूनी काम चल रहा है, जो कि लड़के यहाँ से भाग रहे हैं। जो यहाँ लेबर काम कर रही थी सारी भाग चुकी है, यहाँ कोई नहीं है इस टाइम पर। लेकिन आप देख सकते हैं सारे गैर कानूनी काम बुराड़ी के अंदर जोरों शोरों से चल रहे हैं, जोरों शोरों से। कहाँ है एमसीडी विभाग, कहाँ है एमसीडी प्रशासन? सड़क पे अगर कोई एक गरीब इंसान एक रेडी लगाकर खड़ा हो जाता है तो एमसीडी प्रशासन आता है, रेडी उठाता है और ले जाता है। गरीब इंसान को कमाकर अपना घर चलाने की अनुमति नहीं है। लेकिन ये जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, इनको अनुमति है कि आप अवैध रूप से कब्जा जो है वो कर सकते हैं, और अवैध रूप से कब्जे का जो निर्माण है वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जेई को लाखों, हजारों नहीं लाखों रुपया जो है वो जेई को दिया जाता है, जेई की जबान को बंद करने के लिए, जेई को चुप रहने देने के लिए, ताकि कोई भी एमसीडी इसके खिलाफ अपनी कोई कार्रवाई ना करे। अच्छा, एक बिल्डिंग ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ बेसमेंट है, बेसमेंट दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली, वो राजधानी जो पूरे भारत की राजधानी है, जहां पर कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप यहां पर कुछ इलीगल काम नहीं कर सकते। यहां बेसमेंट है, आप देख सकते हैं बेसमेंट। आ ध्यान से प्लीज कैमरा पीछे घुमा दीजिए। बेसमेंट है ये, बेसमेंट पीछे नीचे तक आप पूरा कैमरा घुमा दीजिए। आखिर बेसमेंट में है क्या ये, प्लीज आप बता दीजिए। ये आप देख सकते हैं मेरी आवाज कैसे गूंज रही है, ये पूरा बेसमेंट है। आखिर ये बेसमेंट क्यों बनाया गया है? बहुत 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 बड़ा बेसमेंट है, नीचे काफी गहराई है, और ये पूरा बेसमेंट आप मेरे सामने देख सकते हैं। पूरे बेसमेंट के अंदर कीचड़ और पानी भरा है, ये देख सकते हैं आप। बहुत सारे मच्छर हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा गंदगी है, कीचड़ और पानी भरा हुआ है पूरे बेसमेंट के अंदर, और काफी बड़ा बेसमेंट है ये। ये कैसे बनकर तैयार हो गया? ये बेसमेंट कैसे बना, किसकी इजाजत से बना? आखिर एमसीडी प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी? क्यों नहीं लगी? ये बिल्डिंग थोड़ी सी छोटी सी जगह में तो बनी नहीं है। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ लिफ्ट लगी है, इसमें यहाँ से जीना है जो कि ऊपर जाने का रास्ता है। ये यहाँ आप देख सकते हैं लिफ्ट लगी हुई है, और नीचे बहुत बड़ा बेसमेंट है जो कि मैंने आपको दिखाया। पूरा का पूरा बेसमेंट कीचड़ और पानी से भरा हुआ है। ये इनका पार्किंग एरिया है पूरा। ये अवैध कब्जा दिल्ली की बुराड़ी के अंदर खुलेआम, खुलेआम सीधा सीधा प्रशासन के मुंह पर तमाचा, सीधा सीधा नगर निगम प्रशासन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा इन अवैध निर्माण धीरों की तरफ से, इन अवैध जो बिल्डिंगें ये बना रहे हैं इनकी तरफ से। क्यों आखिर प्रशासन क्यों चुप है, प्रशासन क्यों चुप है, प्रशासन एक्शन क्यों नहीं लेता? क्या जेई साहब बिक चुके हैं? जेई साहब, मैं आपसे जवाब मांगती हूँ, कितना पैसा खाया आपने लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए? हम बात करेंगे एसी साहब से, डीसी साहब से, कि आखिर ये गैर कानूनी काम किस तरह से यहाँ पनप रहा है, वो भी खुलेआम सरेआम। कि जिंदगी के साथ खिलवाड़ कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लोगों को मौत के मुंह में कैसे धकेला जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं बिजली के खंभे, जिनमें की हाई वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, और ऊपर से बिल्डिंग का जो ये काम चल रहा है इसमें से पानी गिर रहा है, और ये सीधा सीधा खंभे के अंदर मीटर लगे हैं, तारे लगी हैं, और सीधा उनके ऊपर ये पानी गिर रहा है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग के अंदर करंट आ सकता है, पूरे खंभों के अंदर करंट आ सकता है। नीचे लोहे के आप देख सकते हैं कितना सारा ये सामान पड़ा हुआ है। अगर यहाँ कोई लेबर काम कर रही है तो उसमें करंट आकर पूरी लेबर जो है वो उसकी जान भी जा सकती है।
इतना बड़ा जोखिम, लोगों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। फिर बात आती है एमसीडी प्रशासन पर और इन अवैध बिल्डरों पर जो कि अवैध निर्माण कर रहे हैं एमसीडी विभाग के साथ मिलकर, जेई के साथ मिलकर। जेई की भूख आखिर कितनी है कि उनका पेट ही नहीं भरता? जेई की भूख आखिर कैसी है कि लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता है लेकिन उनका पेट नहीं भरता?